वेलकम बैक बच्चों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस पर और आज यहां पर आज के क्लास में आप लोग सभी उपस्थित हो चुके हैं तो आइए आज के क्लास में अब शुरू करते हैं हम लोग त्रिकोण मिति के अगले स्टेप में हम लोग बढ़ते हैं तो आज हमने आप लोगों के लिए बेहतरीन सवाल लाए हैं जो कि विभिन्न कम्पिटिशन्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जैसे कि एस एस के अलावा रेलवे आपके बैंकिंग सभी में और आपके जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसमें सभी में इस तरह के सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और विगत परीक्षाओं में भी ये सब सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं तो फ्रेंड यहाँ पर हमने ऐसे सवालों का कलेक्शन लाया आपके लिए और ख़ास ये आप लोगों के जो सवाल हैं बेहद इम्पॉर्टेंट हैं और ये सभी आपके कंसेप्ट पर आधारित भी हैं तो आइए फ्रेंड्स हम लोग आपको अब ले चलते हैं सीधे सवाल की ओर और यहाँ पर आज का क्लास शुरू करते हैं तो फ्रेंड यहाँ पर बच्चों आपके लिए सवाल आ चुका है स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं बच्चों की साइन थीटा प्लस कौशेक्ट ठीठा बराबर दो तो साइन पर पावर एक सौ ठीटा प्लस कॉस पर पावर एक सौ ठीटा बराबर वाट फ्रेंड्स तो यहाँ पे आप लोगों को बतानी है कि अगर साइन थीटा प्लस कौशेक थीठा की वैल्यू दो होती है तो साइन पर पावर एक सौ ठीटा प्लस कॉस पर पावर एक सौ ठीटा की वैल्यू क्या होगी तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों को हालांकि सवाल देखने में आप लोग को भले जटिल लग रहा हो लेकिन सवाल बहुत ही आसान है तो आइए बच्चों इसे समझते हैं हम लोग कि साइन और कौशेक तो चूँकि साइन और कौशिक एक दूसरे की अपोजिट होती है साइन की अपोजिट होती है कौशे एक दूसरे की अपोजिट होती है तो यहाँ पर क्या है बच्चों कि अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कोई भी चीज़ की योगफल अगर दो है तो हम लोग उसे इस तरह समझ सकते हैं कि वन प्लस वन इक्वल टू टू होती है तो यहाँ पर अब देखा जाए तो साइन थीटा की वैल्यू वन कब होगी साइन थीटा की वैल्यू वन तब होती है जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए नाइन्टी डिग्री हो जाए तो यहाँ पर बच्चों अगर हम लोग मानते हैं कि अगर यहाँ पर जो थीटा है थीटा की वैल्यू नब्बे डिग्री हो तो यहाँ पर साइन नब्बे डिग्री प्लस कौशिक नब्बे डिग्री लेते हैं तो हम देखते हैं बच्चों कि साइन नब्बे डिग्री की वैल्यू एक होती है और कौशिक नब्बे डिग्री की भी वैल्यू एक होती है तो एक और एक मिल के कितने हो जाते हैं दो तो हम इस तरह से बच्चों कह सकते हैं कि यहाँ ठीठा की वैल्यू क्या है बच्चों थीटा की वैल्यू नाइन्टी डिग्री है तो अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो साइन 90 डिग्री टू दी पावर 100 और कॉस 90 डिग्री टू दी पावर 100। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू तो वन होती है अब अगर यहाँ पर हम इस इक्वेशन की बात करें साइन टू दावर एक सौ थीटा प्लस कॉस टू दी पावर एक सौ तो बच्चों साइन यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो so, साइन 90 डिग्री की वैल्यू वन हो जाएगी तो वन टू पावर हंड्रेड और बच्चों कॉस 90 डिग्री की बात करें तो उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो ज़ीरो टू पावर हंड्रेड तो वन टू पावर हंड्रेड वन जीरो टू द पावर कुछ भी देंगे तो फ्रेंड ज़ीरो होगी तो इसकी यहाँ पर वन प्लस जीरो इक्वल टू कितने हो गए बच्चों वन हो गए तो ये यह यहाँ पर आपके इक्वल टू हो गए वन आंसर तो बच्चों उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे से ये सवाल समझ में आया होगा तो काफ़ी अच्छा सवाल था बहुत ही प्यारा सवाल था तो बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ बच्चों तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके टेन थीटा प्लस कौ थीटा बराबर दो दिए हुए हैं तो फिर से आइए बच्चों एक बार फिर हम लोग देखते हैं कि अगर दो चीज़ों का योगफल टू है तो हम लोग इसे वन प्लस वन इक्वल टू अगर टू समझते हैं तो यहाँ पर वन कितनी में कितनी डिग्री पे वैल्यू हो जाएगी बच्चों जब हम लोग थीटा पैंतालीस डिग्री लेंगे तो टेन पैंतालीस डिग्री की भी वैल्यू वन हो जाएगी और कॉट पैंतालीस डिग्री की भी वैल्यू वन हो जाएगी तो वन प्लस वन बराबर कितने हो जाएंगे टू हो जाएंगे तो इसका मतलब है बच्चों कि अगर हम यहाँ पर थीटा को पैंतालीस डिग्री मानते हैं तो टेन पैंतालीस डिग्री प्लस कॉट पैंतालीस डिग्री यानी कि बच्चों वन प्लस वन इक्वल टू हो जाएंगे टू तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि आपकी जो ठीटा है वो ठीटा बराबर कितनी हो जाएगी फोर्टी फाइव डिग्री हो जाएगी तो पैंतालीस डिग्री जब हो जाएगी बच्चों तो यहाँ पर हम अगर ले लेते हैं ठीटा की वैल्यू पैंतालीस तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है यानी साइन स्क्वायर पैंतालीस डिग्री प्लस रूट टू कॉस पैंतालीस डिग्री तो बच्चों यहाँ पर साइन पैंतालीस डिग्री की वैल्यू हो जाती है वन बाई रूट टू तो वन बाई रूट टू है बच्चों तो यहाँ पर हो जाएगी स्क्वायर प्लस रूट टू इंटू कॉस पैंतालीस डिग्री की भी वैल्यू वन बाई रूट टू होती है बच्चों तो यहाँ पर आपके रूट टू और रूट टू कट जाएंगे तो यहाँ पर बच्चों अगर स्क्वायर करते हैं तो आपके हो जाएंगे वन बाई टू प्लस यहाँ पर जब आपके सभी कट गए तो यहाँ पर वन हो गए तो यहाँ पर बच्चों अगर हम इसे आपके अगर प्लस करते हैं ऐड करने के बाद टू वन या टू प्लस वन थ्री बाई टू तो बच्चों यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी थ्री बाई टू हो जाएगी और ये है आपका आंसर जो कि आपका हो जाएगा बिल्कुल सही तो बच्चों उम्मीद है कि इस सवाल को भी अच्छे से आप लोगों ने समझा होगा तो आइए बच्चों फिर से बढ़ते हैं अब आज के अगले सवाल की ओर तो यहाँ पर बच्चों आप क्या देख रहे हैं कि टू साइन ठीठा इंटू कॉस्ट ठीटा इक्वल टू वन है तो वहाँ तो हमने फ्रेंड्स देख रहा था बच्चों कि हम लोग वहाँ थीटा की वैल्यू ले रहे थे तो वन प्लस वन टू कर रहे थे पर यहाँ इक्वल टू तो वन है बच्चों तो यहाँ पर भी हम लोगों को इस तरह से दिमाग लगानी है कि थीटा की वैल्यू क्या रखने से वन हो सकती है तो यहाँ पर बच्चों अगर मान लो कि थीटा बराबर पैंतालीस डिग्री हम मान लेते हैं बच्चों देखो एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि आपके दिमाग में ये भी बात आ रही होगी कि आखिर सर अपने मन से ठीठा फोर्टी फाइव ले रहे हैं या जो भी ठीठा की वैल्यू अपने मन से ली जा रही है तो बच्चों यहाँ पर आपको अगर चूँकि ये कंपटीशन है बच्चों यहाँ पर आपको थोड़ी सी कंसेप्चुअल चलनी होगी और अगर आप बच्चों हर चीज़ को अगर डिस्क्रिप्टिव चलोगे तो कंपटीशन के खास करके एस एस बैंकिंग बड़े बड़े जो एग्ज़ाम्स हैं बच्चों उसमें आप नहीं टिक पाओगे इसलिए बच्चों इतनी तो आपके अंदर जो ये आपके अंदर एक्टिविटी होनी चाहिए कि आप इस चीज़ को कंसेप्चुअल लेकर चलो और डायरेक्ट उसको समझने की कोशिश करो बच्चों तभी आप इसे शॉर्ट में बना सकते हो वरना इसकी कोई शॉर्ट रूल्स नहीं होती है बच्चों मैं आपको ये बात स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ तो इसलिए बच्चों आप लोगों को यहाँ पर इसमें हर समय आपको एक्टिविटी रखनी होगी और यहाँ पर जो आपको है थोड़ी बहुत तो अपनी दिमाग लगानी होगी तो यहाँ पर बच्चों का थीटा हमने 45 डिग्री रखी तो यहाँ पर टू साइन 45 डिग्री हो जाएगी तो टू साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री तो देखना है बच्चों कि 45 डिग्री से क्या ये प्रूव हो पाता है तो यहाँ पर बच्चों साइन 45 डिग्री की वैल्यू वन बाई रूट टू हो जाती है इंटू कॉस 45 डिग्री की वैल्यू रूट टू हो जाती है तो बच्चों जब रूट टू रूट टू को मल्टीप्लाई करते हैं तो टू तो टू और टू कट गए तो बच्चों यहाँ पर आते हैं वन तो इसका मतलब है बच्चों की थीटा बराबर पैंतालीस डिग्री यहाँ पर वैल्यू बिल्कुल ही फिट है तो अगर फ्रेंड्स हम लोगों को यहाँ पर निकालनी है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा तो बच्चों यहाँ पर थीटा की वैल्यू है पैंतालीस डिग्री तो साइन पैंतालीस डिग्री की वैल्यू वन बाय रूट टू प्लस कॉस पैंतालीस डिग्री की वैल्यू वन बाय रूट टू तो यहाँ पर हो गया आपके टू बाई रूट टू तो यहाँ पर इस रूट टू से बच्चों हमने इसको कटार दिया तो एक बार में रूट टू तो यहाँ पर एक रूट टू आपके बच गए या फिर आप इसे हर परिमयकरण करके कर सकते हो बच्चों रूट टू से ऊपर नीचे गुना करके बात तो वही आएगी तो यहाँ पर तो हमें स्पीड में करनी है फटाफट सॉल्यूशन करके हमें तो ऑप्शन में टिक लगाना है ताकि हमारा सिलेक्शन हो सके क्योंकि हमें तो सिलेक्शन में जाना है बच्चों यहाँ पर तो हमें किसी को सवाल समझाना नहीं है तो इसलिए बच्चों फटाफट यहाँ पर जो भी इजी टेक्निक है इजी रूल्स है हमको उसे यहाँ पर अप्लाई करते हुए चलना है तो बच्चों उम्मीद है इस सवाल को भी अच्छे से समझ पाए होंगे अब फ्रेंड्स बच्चों यहाँ बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर तो यहाँ पर फिर से आपके स्क्रीन पर इसी तरह का एक सवाल दिख रहा है जैसा कि सवाल हमने अभी सॉल्व किया है लेकिन बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हो कि टू साइन टीटा इन टू कॉस्टिटा इक्वल टू हो रही है फाइव तो यहाँ पर बच्चों अगर हम थीटा की कोई भी वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पर हमारा फाइप आना मुश्किल हो जाता है तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों को कुछ अलग दिमाग लगानी पड़ेगी तो बच्चों अब हमें यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की तो वैल्यू निकालनी है पर यहाँ पे कोई थीटा आपके फिट नहीं बैठ रहा है तो यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे हम लोग हम अपनी एक अब इस तरह के सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों तो आइए मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाता हूँ हमें वैल्यू निकालना है बच्चों साइन थीटा प्लस थीटा की तो अगर बच्चों साइन थीटा प्लस थीटा हम लोग अगर स्क्वायर कर दे बच्चों तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस हो जाएंगे आपके टू साइन थीटा इंटू कॉस तो उम्मीद बच्चों आप लोग समझ पाए होंगे कि हमने इसे a प्लस बी के हॉल स्क्वायर में इसे हमने तोड़ दिया a प्लस बी के हॉल स्क्वायर में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया ए प्लस बी का हॉल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी बच्चों तो यहाँ पर बच्चों आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों वन होती है और टू साइन थीटा इंटू थीटा की वैल्यू आपको तो यहाँ पर दी गई है फाइव तो आपने देखा कि यहाँ पर साइन थीटा प्लस थीटा की हॉल स्क्वायर इक्वल टू सिक्स हो गई अब बच्चों अगर आप यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस्ट ठीटा की इंडिपेंडेंट वैल्यू निकालोगे तो ये स्क्वायर इस तरफ आकर रूट ओवर हो जाएगी तो इक्वल टू हो जाएंगे रूट सिक्स तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू हो गई रूट अंडर सिक्स बच्चों जो कि है बिल्कुल ही सही जवाब तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा कि जहाँ पर अगर थीटा की वैल्यू आपकी अगर कोई भी फिट नहीं बैठती है तो वहाँ हम सवालों को किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं तो उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे से समझ पाए होंगे बच्चों तो बढ़ते हैं फिर से अगले सवाल की ओर अब बच्चों यहाँ पर फिर से एक तरह इस तरह का सवाल है हमारे पास कि थीटा ठीठा प्लस क्वार थीटा बराबर पाँच है तो कौशिक थीटा माइनस क्वार थीटा की आपको वैल्यू निकालनी है तो बच्चों क्या कोई थीटा की वैल्यू यहाँ पर रखने से इसकी वैल्यू आ सकती है कौशे थीटा प्लस क्वार थीटा कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि यहाँ पर पाँच कर दें अगर इसमें स्क्वायर भी होती तो हम सोच सकते थे पर यहाँ तो स्क्वायर भी नहीं है तो पाँच होने की कोई गुंजाइश नहीं है बच्चों तो यहाँ पर हमें अब कुछ और भी दिमाग लगानी पड़ सकती है तो हमने बच्चों पिछले क्लास में एक फार्मूला यहाँ पर आप यहाँ कौशेक और कॉट देख रहे हो तो बच्चों कौशे और कॉट के बीच में कोई ऐसा रिलेशन तो ज़रूर होगा तभी तो सवाल बनी है तो यहाँ पर कौशेक और कॉट के बीच क्या रिलेशन है बच्चों तो आइए देखते हैं आपने पढ़ा बच्चों कि कौशेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होते हैं वन बच्चों ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही है तो बच्चों यहाँ पर हम अगर कौशेक थीटा को ए मान ले कॉट थीटा को बी मान ले तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मेट में हम इसे लिख सकते हैं बच्चों ए प्लस ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी इक्वल टू बच्चों कितने हो गए एक हो गए हमने क्या किया बच्चों इस चीज़ को हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में तोड़ डाला यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में अब बच्चों अगर सवाल पर आप गौर करोगे तो आपको कशेक थीटा प्लस कॉट थीटा की तो वैल्यू दी गई है कशेक थीटा प्लस कॉ थीटा की वैल्यू पाँच हो गई तो बच्चों यहाँ पर अगर हम कशेक थीटा माइनस थीटा की वैल्यू करेंगे तो हो जाएगी वन बाई इसकी वैल्यू फाइव हो गई तो ये हो गई बच्चों वन बाई फाइव तो आपकी कौशे थीटा माइनस क्ट की वैल्यू आ गई वन बाई फाइव अब ऑप्शन में अगर बच्चों वन बाई फाइव हो तो आप डायरेक्ट वन बाई फाइव पेटिक लगा सकते हो या नहीं तो अगर ऑप्शन में आपको ज़ीरो पॉइंट टू भी दिखे तो आप इसे पॉइंट में बदल कर जीरो पॉइंट टू भी आंसर लगा सकते हो तो ऑप्शन के हिसाब से करनी है बच्चों तो उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे से इस सवाल को भी आप समझ पाए होंगे तो बच्चों ये सब ऐसे इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो कि लगातार कंपिटिशन्स में पूछे जाते हैं और ये बच्चों को काफ़ी परेशान भी करते हैं तो बच्चों आज मैं आप लोगों को जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर बता रहा हूँ तो इसे ध्यानपूर्वक देखें आज के क्लास से आप लोगों को बहुत बेनिफिट होने वाली है तो बच्चों यहाँ पर फिर आपके जो स्क्रीन पर इस समय आप एक और सवाल देख रहे हैं थोड़ा जूम कर ले बच्चों इस सवाल को हम लोग यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इफ से थीटा माइनस टेन इक्वल जीरो टू जीरो पॉइंट वन टू फाइव देन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू वाइट तो बच्चों ठीक इसी तरह की सवाल है अब बच्चों यहाँ पर हम दिमाग लगाएंगे कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा जीरो पॉइंट वन टू फाइव होगी तो हम लोग कौन सा थीटा की वैल्यू लेंगे तो यहाँ भी हम अगर देखेंगे बच्चों थीटा की कोई वैल्यू फिट नहीं हो रही है तो बच्चों और हम लोगों को निकालनी भी है सेक ठीटा प्लस टेन ठीठा की यहाँ पर वैल्यू तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं फिर से शेख और टेन के बारे में रिलेशन सोचते हैं बच्चों कि क्या शेख और टेन में कोई रिलेशन आती है तो हमें पता है बच्चों कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितने होते हैं बच्चों इक्वल टू वन होते हैं तो अगर यहाँ पर हम इसे फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में तोड़ लें तो बच्चों आपके हो जाएंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू कितने हो गए बच्चों इक्वल टू हो गए वन तो यहाँ पर जो बच्चों से थीटा माइनस टेन थीटा की आपकी वैल्यू दी गई है वो है बच्चों जीरो पॉइंट वन टू फाइव तो यहाँ पर बच्चों जब हम सेक् थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वन बाई जीरो पॉइंट वन टू हो जाएगी फाइव जब हमने बच्चों पॉइंट को यहाँ से हटा दिया तो आपके ट्रिपल जीरो ऊपर आ गए तो पच्चीस से बच्चों हमने इसे पाँच बार में कटा दिया पच्चीस से बच्चों हमने इसे चार बार में कटा दिया चालीस तो पाँच अट्ठे चालीस तो आपके बच्चों यहाँ पर सेट थीटा प्लस टेन ठिटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों एट आ गई तो ये है बिल्कुल इस सही जवाब बच्चों तो sec थीटा माइनस टेन ठीटा अगर जीरो पॉइंट वन टू फाइव होंगे तो sec थीटा प्लस टेन ठीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों एट हो जाएगी तो उम्मीद है कि बच्चों अच्छे से सवाल को समझ पा रहे होंगे और ये सभी सवालों को आप लोगों को बड़े ध्यानपूर्वक देखना है बच्चों तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर तो यहाँ पर बच्चों अब थोड़ा सवाल में हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी यहाँ पर हमें चेंजिंग नज़र आने लगी है इस समय बच्चों हम लोगों को सिर्फ कॉस्ट थीटा पूछा जा रहा है सेक्स थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू वन है लेकिन आपसे सवाल में कॉस्ट थीटा की वैल्यू पूछी जा रही है तो बच्चों यहाँ पर हम लोग अब क्या करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है बच्चों कि क्या कोई अगर थीटा की वैल्यू ऐसी कोई रखने से आपकी इतनी वैल्यू आ सकती है तो यहाँ पर अगर देखा जाए बच्चों तो इस तरह की कोई भी वेल्यू आपके रखने से यहाँ पर आपको नहीं आएगी तो फिर से बच्चों हम लोग क्या करते हैं अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों सेक थीटा प्लस टेन थीटा और इन टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या होते हैं बच्चों वन होते हैं कैसे बच्चों अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होते हैं तो हमने बच्चों इसे डायरेक्टली रूप से क्या किया इसे हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पर डायरेक्ट रखा तो यहाँ पर आपने सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पर वन दी गई है तो यहां से बच्चों हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू बच्चों वन बाई वन इक्वल टू ये भी आपकी वन ही हो जाएगी तो जब बच्चों अगर सेख थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू आपको वन मालूम है और आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा की भी वैल्यू वन है तो इसे हम बच्चों इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये इक्वल टू भी आपके क्या है वन है जब बच्चों हम इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें जोड़ देंगे तो ये टेन थीटा ये टेन थीटा कट जाएगा बच्चों तो यहाँ पर आपके टू सेक थीटा इक्वल टू वन प्लस वन हो जाएंगे टू तो यहाँ पर बच्चों आपके सेक थीटा इक्वल टू हो जाएंगे बच्चों टू टू यहाँ पर कट पर आपके टू और टू कट जाएंगे तो वन हो जाएंगे तो यहाँ पर आपके सेक थीटा बराबर हो जाएंगे वन तो जब थीटा बराबर वन तो बच्चों कॉस्ट थीटा बराबर भी क्या हो जाएंगे वन हो जाएंगे और इसकी वैल्यू हो जाएगी वन आंसर यानी कॉस्ट थीटा की भी वैल्यू आपकी वन हो जाएगी बच्चों तो बच्चों यहाँ पर जब आपके स्क्रीन पे दूसरा सवाल है कौशिक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर एम दी हुई है और आपको साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो बच्चों ठीक उसी तरह से जैसे हमने कौशेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को यूज़ किया था तो उसी प्रकार से बच्चों अगर हम इसे क्वेश्चन वन मान लें तो हम इसके द्वारा थीटा और माइनस कॉ थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि कौशे थीटा प्लस कॉ थीटा एम है तो इसकी वैल्यू वन बाई एम हो जाएगी बच्चों इसे आप लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर डायरेक्ट पुट करके कर सकते हो बच्चों हमने इसे डायरेक्ट किया आप लोग भी अब कोशिश करो कि इसे डायरेक्ट इस तरह से किया जाए तो यहाँ पर बच्चों आपको दो इक्वेशन क्वेश्चन मिल जाती है यहाँ आपने क्या देखा अगर हमने कॉटा कॉ ठीटा कटा दिया जोड़ने पर तो आपके हो जाते हैं टू कॉशिकीटा इक्वल टू एम प्लस वन बाई एम तो यहाँ पर बच्चों आपके जो cosec थीटा बराबर हो जाएंगे यहाँ हमने एम एल सी एम एम कर लिया तो एम स्क्वायर प्लस वन और ये बच्चों टू इस तरफ आ गए तो हो गए टू एम लेकिन बच्चों यहाँ पर हम लोगों को वैल्यू निकालनी है कौशक थीटा की नहीं हम लोगों को वैल्यू निकालनी है साइन थीटा की तो जब बच्चों हम जानते हैं कि जो साइन थीटा होती है वो कौशे थीटा की अपोजिट होती है तो ये यहाँ पर आपके साइन थीटा बराबर हो जाएंगे टू एम बटे एम स्क्वायर प्लस वन ये हो गई आपकी आंसर तो उम्मीद है बच्चों आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा तो बढ़ते हैं इस तरह के बच्चों कोई भी सवाल आप लोग इस प्रकार से बना सकते हैं तो बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर तो यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हैं कि सेवन कॉस्टिटा इक्वल टू फाइव दी गई है और आपसे वैल्यू निकालनी है कहा जा रहा है सेवन साइन थीटा प्लस टू थीटा बाई सेवन साइन ठीटा माइनस टू तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है मैं इसे बहुत ही सरल तरीके से बता देता हूँ कि जब यहाँ पर आपकी है बच्चों सेवन कॉड थीटा बराबर है फाइव तो यहाँ पर आपकी जो कॉट थीटा हो जाएगी वो हो जाएगी फाइव बाई सेवन तो जब यहाँ पर कॉट थीटा फाइव बाई सेवन हो जाएगी तो, तो खत्म क्या बढ़िया है हाँ? क्या कर रहे तुम तो? तो अब बच्चों आपके स्क्रीन पे जो अगला सवाल दिख रहा है सेवन थीटा बराबर पाँच तो सेवन साइन थीटा प्लस टू थीटा बटे सेवन साइन थीटा माइनस टू थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है इस सवाल को मैं बिल्कुल ही आसान लहजे में बता देता हूँ तो यहाँ पर जब बच्चों आपकी दी गई है सेवन कॉट थीटा इक्वल टू फाइव तो बच्चों यहाँ पर आप समझ सकते हो कि cot थीटा इक्वल टू कितनी हो जाएगी फाइव बाई सेवन हो जाएगी तो यहाँ पर बच्चों cot थीटा को आप लिख सकते हो cos थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू फाइव बाई सेवन तो बच्चों यहाँ पर जब आप रेशियो का सवाल बनाते हो तो आपने देखा होगा यदि ए बाई बी इक्वल टू वन बाई टू डी होती है या कुछ भी दी होती है तो ऊपर वाले को हम लोग ए की वैल्यू मानते हैं नीचे वाले को बी की वैल्यू मानते हैं तो खास करके इस तरह के सवाल बच्चों जब आपको सेम इस तरह के सवाल नजर आए तो यहाँ पर आप सीधे तौर पे ऊपर वाले को कॉस्ट थीटा की वैल्यू नीचे वाले को साइन थीटा की वैल्यू मान लोगे तो सेवन साइन थीटा तो बच्चों साइन थीटा की वैल्यू सेवन हो जाएगी प्लस टू थीटा की वैल्यू आपकी हो जाएगी फाइव और बच्चों फिर नीचे भी आप इसी तरह से कर लो सेवन ठिप्ट तो यहाँ पर बच्चे हो गए आपके उनचास प्लस दस बटे उनचास माइनस दस तो आपके यहाँ पर हो गए बच्चों फिफ्टी नाइन बाई थर्टी नाइन अगर बच्चों यहाँ पर कट सकता था तो हम लोग कटा लेते लेकिन यहाँ पर बच्चों ये दोनों ही एक ऊपर की आवास संख्या इसलिए यहाँ पर कटेगी नहीं तो यहाँ पर आपकी जो सेवन साइन ठीटा प्लस टू कोस्ट थीटा बाई सेवन साइन ठीटा माइनस टू कोस्टिटा की वैल्यू है वो फिफ्टी नाइन बाई हो गई थर्टी नाइन तो बच्चों हम बढ़ते फिर से अगले सवाल की ओर तो यहाँ पर बच्चों फिर से आप लोगों को इस तरह के एक सवाल फिर से नजर आ रही तो यहाँ पर फिर से आप लोगों ने देखा कि फोर टेन थीठा बराबर होते हैं दिए गए हैं फाइव तो यहाँ पर आपने टेन थीटा बराबर कर लेनी है फाइव बाई फोर तो आपने देखा बच्चों की टेन थीटा बराबर होती है साइन थीटा बाई कॉस ठीटा तो बराबर हो गए फाइव बाई फोर तो फिर यहाँ पर इसी प्रकार से इस तरह के सवाल में ऊपर वाले को साइन की वैल्यू नीचे वाले को कॉस की वैल्यू ले, ले लेते हैं तो फाइव इंटू कॉस की वैल्यू फोर माइनस थ्री इंटू साइन की वैल्यू फाइव बाई नीचे फ्रेंड्स यहाँ पर कॉस्ट थीटा दी गई है तो कॉस्ट थीटा की वैल्यू आपकी सिर्फ हो जाएगी फोर आप प्लस आपके हैं बच्चों आपके यहाँ पर हैं टू साइन थीटा तो टू इंटू साइन की वैल्यू फाइव तो बच्चों यहाँ पर हो गए पाँच चौके बीस माइनस पंद्रह बट्टे चार प्लस पाँच दूनी दस तो यहाँ पर बच्चों बीस घटा पंद्रह आपके हो गए पाँच और दस चार हो गए चौदह तो आपकी यहाँ पर वैल्यू पाँच बट्टे चौदह हो गई तो फ्रेंड्स यहाँ पर उम्मीद है कि इस सवाल को अब आप लोग आसानी से हर समय कभी भी कंपटीशन में जहाँ दिखेगी तो आसानी से आप बना सकते हो तो अब फिर से अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं तो आज का यहाँ पर बच्चों अगला सवाल आप यहाँ पर देख रहे हैं काफ़ी अच्छा सवाल है प्यारा सा सवाल साइन ए माइनस कौ से बराबर दी गई है वन माइनस रूट थ्री बाई टू तो कौन ए की वैल्यू क्या होगी तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों को कौन ए की वैल्यू बतानी यानी किस एंगल पर इतनी वैल्यू आएगी तो बच्चों यहाँ पर ज़्यादा आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सबसे पहले आपने क्या करना है बच्चों कि अगर यहाँ पर साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल टू आपकी दी गई है वन माइनस वन माइनस रूट थ्री बाई टू तो बच्चों आपने क्या करना है यहाँ पर अगर बच्चों हम इसे फिर से अगर अलग अलग कर ले तो हम इसे वन बाई टू माइनस रूट थ्री बाई टू तो लिख सकते हैं तो यहाँ पर आपने देखा कि वन बाई टू माइनस रूट थ्री बाई टू यहाँ पर हमने लिख दिया तो अब यहाँ पर देखनी है बच्चों कि की साइन एक ही जगह पर आपकी क्या आ रही है वन बाई टू कॉस तो ए की जगह पर आपकी क्या आ गई रूट थ्री बाई टू तो बच्चों जब ए की वैल्यू अगर थर्टी डिग्री हो तो आपकी ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी साइन थर्टी डिग्री की वैल्यू वन बाई टू फस थर्टी डिग्री की वैल्यू रूट थ्री बाई टू तो बच्चों डी ऑप्शन यानी कि तीस डिग्री आपकी यहाँ पर ए का मान हो जाएगा तो उम्मीद है बच्चों आज के सेशन में हमने जितने भी सवाल पढ़ाए आप लोग इसे अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे और फ्रेंड्स बच्चों बहुत ही ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट सवाल थे जो कि काफ़ी ज़्यादा बोर्ड मॉडल है बच्चों इस सवाल को अच्छे तरीके से आप लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेना बच्चों और कोई भी अगर प्रॉब्लम आई होगी तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम जरूर लिखना तो आज के सेशन में बच्चों यहाँ पर आप लोगों के लिए बस इतना ही तो इस विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस के चैनल से लगातार जुड़े रहे बच्चों आपके बीच एक से एक बेहतरीन यहाँ पर क्लास और बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें आप लोगों को मिलती रहेंगी तो इन्हीं शब्दों के साथ बच्चों आज का क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ अगले क्लास में तो बच्चों आज के लिए गुड बाय